बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पुर्तगाल में हैं और या आपका प्लान है पुर्तगाल में आने का, तो पुर्तगाल में आके यानी जिस तरह मैंने अगली आप कुछ वीडियो बनाई हैं उनमें आपने देखा है कि कैसे पुर्तगाल के जो नंबर हैं बंदा कैसे ले सकता है यहाँ पे, यानी कि फाइनेंस का नंबर और दूसरे ये चीज़ें, तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं सिगुरेंसिया सोशियाल, यानी कि सोशल सिक्योरिटी का नंबर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो में कि आप वो नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैसे आपको मिल सकता है या कौन आपके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए ये जो है मैं अभी आपको लिए चलता हूँ डेस्कटॉप पे, और आपको जो सिगुरेंसिया सोशियाल की वेबसाइट है उधर जाके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पे, वहीं पे जाके देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने ये अभी ओपन की है सिगुरेंसिया सोशियाल की जो वेबसाइट है वो वाली। तो आपको मैं ये बताऊँगा कि यानी आप इस वेबसाइट को कैसे आप सर्च आउट कर सकते हैं, कैसे आप यानी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने देखना है। तो राइट साइड पे आपको ये थ्री डॉट्स यानी तीन लाइनें जो नज़र आ रही हैं इनके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको नीचे एक और यानी विंडो ओपन होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है सो सीधा दाऊँ। सो इसका मतलब है बेसिकली ये पुर्तगेज वर्ल्ड है, यानी कि इसका मतलब है कि मैं सिटीज़न हूँ इस कंट्री का। तो क्योंकि ये जो यहाँ के सिटीज़न है उन्हीं की लैंग्वेज में है या पुर्तगेज लैंग्वेज में है, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप देखें तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सो इम्प्रेगादोर, ये लिखा हुआ है जहाँ पे ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये देख रहे हैं आप दूसरे नंबर पे नीचे, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये है कि आपको कम से कम पता चल जाएगा कि आपने कौन सी जगह पे जाना है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये वेबसाइट जो है पुर्तगेज लैंग्वेज में है। इसका सलूशन ये है कि अगर आप चाहें तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट करके वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो फिर ये जो है गूगल ट्रांसलेट से आपको इसकी समझ आ जाएगी, यानी पुर्तगेज को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें तो। नहीं तो फिर इसका दूसरा सलूशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले इसको देख लीजिएगा। ये वेबसाइट है, ये सारा कुछ इसी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ जो मैंने बताया वो पुर्तगेज में है। तो पुर्तगेज बाद में आपने इसको सेव भी करना होता है, अगर आप इसको फाइंड आउट कर लें सारा, सर्च कर लें क्या लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगी तो ठीक है ये सारा कुछ। बाकी यह है कि मैं आपको फिर इसके ये पुर्तगेज के बाद आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सूरत हाल है। आपको वही जो इंग्लिश वाली वेबसाइट है वो भी दिखा देता हूँ, वहाँ से आप चेक कर लें। तो चलते हैं अभी उस इंग्लिश वाली वेबसाइट पे। ये अभी क्योंकि अभी हमने दूसरी वेबसाइट ओपन की है, ये सेम वेबसाइट है लेकिन वो पहले वाली जो थी वो पुर्तगेज लैंग्वेज में थी, तो इसलिए अभी हमने जो इंग्लिश वाली है वो ओपन की है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि आपको ये नंबर कैसे अप्लाई करना है, लेकिन ये है कि अगर आपने ये नंबर अप्लाई करना है, जितना आप इसको अभी पढ़ लें देख लें, तो डायरेक्टली आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं जब अगर आप अपना बिज़नेस यहाँ पे कुछ कार्य हो, छोटा मोटा कुछ आपने स्टार्ट किया, तो आप अपने अकाउंटेंट से कहेंगे तो वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देगा, वरना आप डायरेक्ट भी उनके पास जा सकते हो। लेकिन जैसा कि पहले आपने देखा है वो, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंस शायद आपने इतनी नहीं समझ बंदे को आती। तो ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है, काम का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है तो फिर ये आपके लिए बहुत ईजी है, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका अगर कहीं काम कर रहे हैं तो जो आपका ऑनर होगा, मालिक होगा, वही आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देगा, आपका नीफ नंबर चाहिए उसको, बाकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट तो वो अपने पास से लगा लेगा, तो फिर वो अप्लाई कर लेता है। तो पहले इसमें थोड़ा टाइम लग जाता था ये आने में, तो बंदा फिर उतनी देर तक वेट करता था, लेकिन काम आप करते रहते थे। और अब ये है कि अब जो है ना जल्दी आ जाता है, कई दफ़ा तो ऑन द स्पॉट ही आ जाता है, सेम डे में भी मिल जाता है ये नंबर वगैरह। तो ये नंबर लेने के बाद इस नंबर का बेसिकली तो मकसद यही होता है कि आपका जो टैक्स वगैरह है वो इस नंबर पे जाए, लेकिन क्योंकि इस नंबर से पहले आपको नीफ नंबर चाहिए होता है, तो जो नीफ नंबर है वो आपको पता है, आप पहले सबसे पहले जो फाइनेंस का नंबर है, मेरी वीडियो भी है उसके ऊपर बनी हुई, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये सिगुरेंसिया सोशियाल की जो वेबसाइट है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहीं से इसको देख सकते हैं, और दोनों का दे दूँगा, यानी कि ये पुर्तगेज लैंग्वेज में जो वेबसाइट है उसका भी, और जो
इंग्लिश में है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से देख लें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड ये कुछ भी नहीं है, ये सारा आपके बिहाफ पे जो है वो मैंने जैसे बताया कि आपका जो ओनर है वो ही अप्लाई करेगा, तो आराम से आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये नंबर भी आपके साथ ही रहेगा जब तक कि आप यानी कि पुर्तगाल में हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं आपका नंबर ये चेंज नहीं होता। इसकी जो यानी कि जिस तरह नीफ नंबर चेंज नहीं होता इसी तरह ये नंबर भी चेंज नहीं होता। जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने ये सारा प्रोसेस जो है मैंने आपको समझाया, ये बहुत आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और बाकी ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी थोड़ा सा हिट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।